खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते चले। समुद्री से तहसील रिपोर्टर सैयद अहमद रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री शहर के लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई। पूरा शहर अखाड़ा बिछाड़ की लपेट में है। लोगों ने अपना कारोबार बना लिया। हर घर से 10-20 हजार रुपए सीवरेज के लिए इकट्ठे करके रफू चक्कर होना इन लोगों का वतीरा बन गया। इस तरह कासिम रोड गली नंबर 6 के रहायशियों के साथ हुआ। 20 हजार रुपया फी घर से वसूल किए और सोलिंग उखाड़ कर साथ ले गए। अरसा 3 माह गुजर गए, अब तो गली से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो गया। ये कहां का कानून है? सीवरेज के नाम पर पैसे इकट्ठे करना, कहां गए वो इदारे जो आवाम से टैक्स लेते हैं? सहूलियात की बारी चंदा इकट्ठा करने की तलकीन करते हैं, करोड़ों रुपए तनख्वाहें वसूल करने वाले और VIP प्रोटोकॉल लेने वाले कहां हैं? अब जो कहते थे सीवरेज का बंदोबस्त आप कर लें और सोलिंग हम लगवा देंगे, समुद्री की तारीख में पहली मरतबा तरक्याती कामों में रुकावट, लोग अपनी मदद आप जिंदगी गुजार रहे हैं। अहलियान मोहल्ला के अरबाब इख्तियार से गुजारिश, हमारी गलियां मुकम्मल की जाएं, घरों से निकलना दुश्वार हो गया, न मस्जिद जा सकते हैं और न बच्चे स्कूल जा सकते हैं। खुदारा हम पर रहम फरमाएं और जिन्होंने मोहल्ले से पैसे इकट्ठे किए वो वापस दिलवाएं। हमारी गलियां पुरानी हैं, पुरानी ही ठीक थी, जिनको पुकार कर इसका मटीरियल भी गायब कर दिया गया।